कभी आप किसी मोमेंट से गुजरे हो और आपको स्ट्रांगली फील हुआ है कि ये मोमेंट पहले भी हुआ है आपके साथ। ऐसा कुछ होने से आप कंफ्यूज हो गए हो और खुद को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये क्या हुआ आपके साथ। चिंता मत कीजिए, इट्स जस्ट डेजा वू। हाँ जी, कुछ सेकंड्स के लिए ये आपकी रियलिटी पर क्वेश्चंस उठा देगा और बहुत वियर्ड ख्याल आएंगे, बट ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। ये दुनिया के 97% लोग फील करते हैं, सो रिलैक्स, आप अकेले नहीं है। डेजा वू का ट्रांसलेशन फ्रेंच से हुआ है, विच मीन्स ऑलरेडी सीन, जो आपने पहले देखा है। ये फीलिंग दो चीजों की कॉम्बिनेशन से बनती है। नंबर वन, अ सेंस ऑफ हैविंग ऑलरेडी सीन समथिंग, एंड नंबर टू, नोइंग यू हैवंट एक्चुअली सीन इट। ये कारण है बहुत लोग शॉक हो जाते हैं। डेजा वू को एक छोटा सा ब्रेन ग्लिच भी माना जाता है। इट्स लाइक टू डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स कोलाइडिंग। ये माना जाता है कि डेजा वू शायद दो डिफरेंट अवेयरनेस का कोलिशन है। इसका रिजल्ट एक करंट सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करने का एक्सपीरियंस, प्लस एक फीलिंग कि ये एक इनएक्यूरेट रिकलेक्शन है। एक की फीचर ऑफ दिस कि दैट पर्सन को ये रियलाइजेशन होता है कि वो एक्चुअली ये देखा ही नहीं है। कंफ्यूज हो गए? लेट्स सिंप्लीफाई दैट। व्हाट रियली हैपेंस इज अ मैटर ऑफ स्प्लिट परसेप्शन, एंड एक पर्सन एक साइट को दो बार प्रोसेस कर रहा है क्योंकि वो शायद डिस्ट्रैक्टेड था या फिर उसका साइट ऑफ विजन ऑब्स्ट्रक्टेड था। इन वेरी सिंपल टर्म्स, ये बेसिकली आप है जो सेम मोमेंट से दो बार गुजर रहे हैं क्योंकि शायद आपकी अटेंशन कहीं और थी। दो डेजावू की फीलिंग सेम होती है अमंग पीपल विथ हेल्दी ब्रेन्स और जिनके न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, बट इन दोनों कैटेगरी के लोगों के ब्रेन्स में डिफरेंट थिंग्स होती रहती है। आपको याद होगा कि जब आपके स्कूल में कम मार्क्स आते थे तो आपके टीचर कहते थे कि आपके ब्रेन्स में कम ग्रे मैटर है। जी हाँ, वही सेम ग्रे मैटर यहाँ पर भी काम करता है। जो लोग डेजावू ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं उन लोगों की तुलना में कम ग्रे मैटर दिखाता है कम्पेयर टू जो ऐसा नहीं करते। टिपिकली ब्रेन में जितना ज्यादा ग्रे मैटर उतना इफेक्टिव द ब्रेन इज। वेल, दिस इज वेयर योर टीचर गॉट द जोक फ्रॉम। एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, जिनके न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, डेजावू होने से उनके ब्रेन के तीन पार्ट्स पे इफेक्ट होता है, द हिप्पोकैम्पस, पैराहिप्पोकैम्पल गिरस एंड टेम्पोरल नियोकॉर्टेक्स। ये वो एरियाज है जो मेमोरीज फॉर्म और रिटेन करने में एसोसिएट होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, एंग्जाइटी, वैस्कुलर डिमेंशिया, ये कंडीशंस से सफर करने वाले लोगों को डेजावू ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कंपेयर टू दोज विद अ हेल्दी ब्रेन। एज विथ ऑल वियर्ड थिंग्स, डेजावू से बहुत मिथ्स भी जुड़ी हुई है। सम से कि अगर आपको डेजावू हो रहा है मतलब आपका ब्रेन आपको बता रहा है कि आप सही समय पे सही जगह पे हैं। कुछ और मिथ ये भी बताती है कि डेजावू तब होता है कि जब एक स्पिरिचुअल डोर खुलता है जिससे आप हमारे रेल्म से डिवाइन रेल्म में जा सकते हैं। एक डार्कर और एक्साइटिंग मिथ ये है कि अगर आपको डेजावू किसी से बात करते वक्त होता है तो लाइकली है कि दैट पर्सन इज अबाउट टू फॉल सिवियरली सिक और इवन डाई। तो अगली बार जब आपको ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो तो या तो आप साइंटिफिक थ्योरीज मान सकते हैं या फिर मिथ्स, ये हम आप पे छोड़ते हैं। पर जैसा कि हमने वीडियो में बताया, डेजावू बहुत कॉमन है। 97% लोग इससे एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस करते हैं और 2/3 से ज्यादा लोग इसे डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं। द ओनली सोल्यूशन टू अस इज अपने सर्कमस्टेंसेस पे ध्यान दे। तो ये था हमारा वीडियो आज के लिए। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।